तो हाँ जी राम राम, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। आई होप मेरे छोटे बड़े भाई सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने चैनल और एक नई वीडियो में। तो भाई वो वर्कआउट करके अपना निकल चुका हूँ, बैक का वर्कआउट करा बहुत ज़बरदस्त रहा। और अब टाइम देख लो आप, पहले 4:03 हो रहे हैं, तो 4:03 देख के आप लोग समझ ही गए होंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ के लिए निकल रहा हूँ और वीडियो बनाने का मतलब क्या है। तो बहुत से भाई एक चीज़ बोल रहे थे मुझे कि नित्र भाई आपने कोई भी चीज़ इंस्टाग्राम पे नहीं डाली, हम आप कहाँ से आपका अपडेट दे सकते हैं। तो दोस्त इस कॉन्ट्रोवर्सी में मुझे कोई अपडेट देना ही नहीं था, क्योंकि मैं इसमें आना ही नहीं चाहता था। मेरा सीधा सा एक उसूल है कि ना तो किसी को गलत बोलो, और अगर आप किसी को गलत बोलो तो फिर गलत सुनना भी पड़ेगा, तो वो वाला काम नहीं आता, ना गलत बोलना पसंद ना गलत सुनना पसंद। तो बहुत प्यारा उसूल है, तो इसीलिए किसी कॉन्ट्रोवर्सी में तुम्हारा भाई पड़ता नहीं है। बट फिर भी एट द एंड कहीं ना कहीं से आगे तो अब करते हैं चीज़ें, प्यार से सॉर्ट करते हैं। तो बात हो चुकी है कि आ रहे हैं मिलके बात करेंगे आराम से बैठ के, तो हो जाएगा वो, इतना बड़ा कोई इसमें इशू नहीं है। बट दो थप्पड़ तो रहा चलते कहीं भी मार दिए ठीक है, देखी जाएगी अब जो पीछे होएगा, अपना तो ये उसूल है भाई, ठीक है। और आप लोगों को एक चीज़ और बताऊंगा भाई, इस कॉन्ट्रोवर्सी के चक्कर में आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करो, खुद पे मेहनत करो, अपने ऊपर काम करो, ताकि आगे हमारा लाइफ फ्यूचर अच्छा हो, हमारी फैमिली का फ्यूचर अच्छा हो और अच्छा जीवन जी सके। इन सब में पड़ के भाई और टाइम वेस्ट मत करो, कुछ भी नहीं मिलना एट द एंड, ये सब खाली मसाला है जो आप लोगों को पसंद है। अगर कहते हैं ना बॉडी भी फिट रखनी है तो जीवन से मसाला निकालना पड़ता है, तो अगर आपको अपना करियर सेट करना है तो मसाला निकालना पड़ेगा भाई, यहाँ से भी अपने ऊपर दो। अगर आप कुछ ऐसा काम करो कि जिससे आपका अच्छा नाम हो, अच्छे दो पैसे बने, जैसे हमें अपना बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, तो मैं बॉडी बिल्डिंग को लेके बहुत ज़्यादा एकदम भाई अपने उस पर हूँ कि आने वाले मैंने 3 कॉम्पिटिशन अपने प्लान कर लिया। और जो ये यूट्यूब हम कर रहे हैं भाई अपनी, ठीक है डाइट का खर्चा निकल रहा है, तो थोड़ा लोगों का प्यार भी मिल रहा है और बहुत अच्छा लगता है जब 2-4 भाई बोल देते हैं भाई आपकी वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छी बनाते हो, मतलब मज़ा आता है। और सबसे अच्छा मुझे यही लगता है कि थोड़ी गाली वाली वीडियो नहीं होती, जिन्हें घर में लोग बैठ के परिवार भी देखते हैं, तो मेरे लिए बहुत सुख की बात है कि मेरे घर वाले वीडियो देख रहे हैं, तो अगर कोई और भी देख रहा है तो वो भी मेरे घर वाले ही हैं, तो उसमें कोई गंदगी ना फैलाए बस, ठीक है। तो चलो चलते हैं, अपना रेडी हो गया, सीधा मिलते हैं आपसे वहीं। ये देखो जी जूस पीने आए थे, अरे जाम लग गया, तेल नहीं है। शेरू क्लासिक में खेलते मेरे, हम खेलते IBBF विनर, IBBF विनर, इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, और मास्टर जी तो पहली बार मिले भाई, और भाई अब बहुत जल्दी बॉडी हो जाएगी हमारी भाई, बिल्कुल भाई मुझे कंपटीशन खेलवा दो, कंपटीशन अभी पहले मैं खुद खेल लूं भाई, आपकी कसम। कोई कभी कभी ना ऐसे देख के लगी इतनी हालत खराब होगी, डंबल मारते मारते पर कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ अरे भाई कुछ नहीं हो रहा, ये कुछ ना हो रहा, कुछ होता क्या है जीवन में, कुछ नहीं हो रहा, बॉडी बना क्या करेंगे जब दो पैसे नहीं कमाएंगे भाई। बताओ स्कीम बताओ भाई, फरीदाबाद में किधर रहते हो? फरीदाबाद NIT में रहता हूँ, 21 मैं ठीक किला तुम्हारे वहाँ पे अम्मा जी हॉस्पिटल है उसके सामने वजीरपुर में। भाई कौन सा कंपटीशन खिलाओगे भाई? भैया मैं देख रहा हूँ, चलो कंपटीशन की। और आप बताओ भाई, एकदम बढ़िया भाई यार, पहली बार मिले आपसे, अब मिलते रहेंगे ना, तो कैसा लगा पहली बार? बहुत जबरदस्त यार, फोटो चारों का पहले, बहुत जबरदस्त भाई, आते हैं इतने फोटो हो रहे जैसे मैं ना उतरे इधर खड़े हो गए, कभी कहीं ना कहीं घूम फिर के ले लो, मेरे जिम का सेशन हो रहा है फैसले के चक्कर में, अच्छा हो जाएगा ट्रेनिंग, चलो चलो थोड़ा इतना हो जाओ भाई का डोला, और भाई अपना प्यार बनाए रखो सारे भाई, और भाई से सुबह भी बात हुई, बिल्कुल ये अच्छा लग रहा है भाई का, ये लेवल है साथ यहाँ पे, ये चीज़ें करके डिस्कस करते हैं भाई, गलत कर रहा हूँ आप, फोन नहीं चलाए कि लड़ाई वड़ाई होती है, सबकी होती है, बट वो एक बंद कमरे में हो और वहीं सुलझ जाए तो बात अलग है, पर चलो कोई देख के भाई सारा समाधान हो चुका है, दोनों भाइयों में सुलह हो चुकी है, ये 36 बिरादरी एक है, तो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, घर में कोई बड़ी बात है जो एलवी ने कही थी, बर्तन रहते तो खटकते ही है, तो समाधान हो चुका है, छोटी मोटी गलती हो जाती है, तो सब एक अब सारे मिल के रहे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
अखंड पागल है वो, ये उल्टी सीधी ये कर दो वो कर दो, भाई चाहे अगर लड़ाई होते भी ना तो भी अगेंस्ट नहीं जाते, नहीं जाते भाई। एक आदमी को दिल से प्यार होता है वो है, बिल्कुल ना लड़ाई कभी थी हमारी है और ना कभी ना कभी होगी। क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोल दो सब, कुछ भी बोल दो, कुल मिला के बस ये करो और क्या बोलना है, बात खत्म और मुंह मीठा करवा देंगे। जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल का सब्सक्राइब भाई, यार के चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, गुरु की हालत खराब होगी, बहुत मेहनत तुम्हारी कर दो भाई, बहुत मेहनत तुम्हारी करो करो भाई, हां नेक्स्ट टाइम गाइस। तो लीजिए भाई वो अपना निकल चुके हैं दिल्ली से, अपना जा रहे हैं दोबारा वापस घर, बहुत प्यार शांति से सब कुछ हुआ। और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ये बोला था कि भाई लड़ाई वड़ाई नहीं करनी चाहिए, कुछ नहीं रखा लड़ाई में, क्योंकि अंत में जाके लड़ाई का मुंह खा ली है, बहुत लड़ाई करके देख ली, प्यार मोहब्बत बनाए रखो, बस ये देखो आपकी जो लड़ाई है उसमें कोई तीसरा मजा ना ले, मुंह से लड़ाई हो जाती है और कोई ऐसी इंटेंशन ना हो फिर भी लड़ाई हो जाती है, बट ट्राई करो कि चीज़ें जल्दी जल्दी कैसे सॉर्ट हो। हाँ जी, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा लड़ाई क्यों नहीं, ये नहीं वो नहीं, यार कुछ ना, अगर मान लो चलो किसी का सर फोड़ देते हैं हम, उसके बाद वो हमारा फोड़ देगा, बातें बढ़ती बढ़ती ना बहुत बढ़ती हैं, मौज मस्ती की उम्र में देखने में ये चीजें बहुत अच्छी लगती है, झेलने के टाइम पे गांड फट के हाथ में आ जाती है, गाली की कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मैं थोड़ी देर से ऊपर मत देना, यही तो ये मुद्दे की चीज है भाई कि निपटारा हो गया, अपने साथ के ही लोग हैं, बहुत सारे लोग कॉमन आ गए थे, अब यार इतने बड़े हम भी नहीं हुए कि अपने बड़ों की बात काट देंगे, ठीक है जी। तो लड़ाई वड़ाई नहीं होनी चाहिए, चल रहे हैं अपने घर और करते हैं अपना खाना एंजॉय, चलो। बट अभी यहाँ पे खड़ा हूँ इंडिया गेट के पास और ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, तो यही था बस आज का अपना पूरा दिन, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया, अभी कुछ खाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे, बाकी होंठ से फटने लगे यार मेरे तो दोबारा से ना, मतलब बर्फ़ में रहे थे ना अभी, तो बर्फ़ की वजह से थोड़े होंठ ड्राई हो गए, फटने लगे, अभी जलन हो रही है मैं बहुत तेज़, तो चलो चलते हैं पहले घर और करते हैं आगे का, दिखाते हैं आपको। ये देखो भाई रात के 12 बजे ब्रो, क्या हाल चाल, अंदर स्मार्ट आदमी भी है, ओहो सैंडो में वर्कआउट, सैंडो में डाइट क्लीन चल रही थी क्या, 100% की, वाह वाह का छोड़ दिया, एक और है आज भाई, कैसे पीछे रह जाएंगे, आगे 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 ब्रो, वाओ वाओ वाओ। अच्छा बर्फ में आने के बाद से बहुत ज्यादा खुश है, और अपना एंजॉयमेंट बताओ, वीडियो बना रहे हो, नहीं हाँ मुझे भी ले ले मैं भी फेमस हो जाऊंगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं ठीक है आ जाओ, सुनो एक स्टोरी बनाते हैं, अभी एक वीडियो की स्टोरी में बताता हूं किसकी, भाई भाई सुनो, भाई सुनो, ये एक वीडियो बना चल रही है, लड़ाई वड़ाई के ऊपर कोई बात नहीं करनी, ठीक है अच्छा बेटी, जो होगी होगी खत्म करेगा, तुम वीडियो बना रहे कुछ और है, वीडियो बना रहे हो, मीम देखता है। तो भाई ऐसा है, सात गांव के सरपंच हमारे साथ हैं। Yes, I am here। नितिन चंदीला भाई। Yes। एक भाई और हमारे भी गायब चल रहे हैं। हमारे गांव में पानी नहीं आता कुछ करो। बड़े परेशान है। एक बांचोल हमारे जमीन के पेपर लेके भाग गया है। वो नहीं दे रहा है। एक मसला ये सॉल्व करवा दो। हम सोशल मीडिया पे कह देंगे। भाई कल से ये बात क्यों ना, आप कसम मेरे पास 150 टैग आ गए। भाई हमारी ऐसे से लड़ाई होगी ये करवा दो। भाई मेरी गर्लफ्रेंड मेरा फोन नहीं उठा रही। हमारे काम में पानी ना आ रहा है। फैसला करवा दो बस मैं। तुम करो। आज राजन का एक और भाई करो। फैसला बताओ। एक फैसला करवा दो। वो वाला वो तो नहीं हो। वो तो आगे बढ़ो। वो वाला केस था। आगे बढ़ो। अच्छा वो पहला वाला तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, पहले वीडियो दे ठीक है, उसके बाद करवाना फैसला। कौन सी था? मैं किसी वीडियो से स्टार्ट करूंगा कुछ करो। भाई नाई की दुकान पे जाना पड़ेगा। चले फिर चलो। तो भाई भाई फैसला करवाना आदि भाई का, नाई की दुकान जा रहे द्वारका, और वहाँ हो कौन है ये सब। ये बात सुन ले, मैं कह रहा तुम भाई की दुकान, मैं भी नाई की दुकान पे सोच रहा हूं कल परसों बताई भाई ना। तो भैया देखो भाई बहुत बाकी बात ना कर रहा है, बाकी बात ना कर रहा हूं। नहीं भाई देखो, अब जब टेंडर लिया पूरा, तो जिस तरह का जो भी झगड़ा होगा वो नितिन भाई सॉल्व करवाएंगे। मैं कह रहा हूं सॉल्व सुनो, अपने घरेलू मामले पहली बार जिंदगी में बहुत अच्छा काम करोगे। नहीं भाई देख, लड़ाई बाकी भाई लड़ाई के मेरे को खिलाफ है, लड़ाई नहीं है। और जहाँ हो गए वहाँ ऐसी होनी चाहिए कि अगले चार पांच पुश्त याद आ जाए। हाथ उठा दिया, लड़ाई लड़ाई मैं दिखाऊंगा अभी भाई के फोन में, एक वीडियो बताओ क्या
भीतर बदमाश की बात बिल्कुल हमने वो मारा जो कुत्ता अरे मैंने कहा तेरा ओयो हमारे गांव के बाहर और हम लग रहे तेरे 20-25 लाख रुपए मैंने कहा जब तक वो आएगा नहीं देखो अभी शुरू होगा बात मैंने जब तक वो आएगा तू बताएगा नहीं मैं डेली आएगा तोड़ेंगे भाई वहां आएगा बताई अच्छा मालिक को तोड़ेंगे हां अच्छा कैसे मारो मैं आज भाई भाई नीचे बैठा रखो तेरी बहन का बिल्कुल इंगे से रोकी भाई आ रहा इंगे से तेरी बहन का देख ले अच्छा देख यहां का कैप्टन तो हो तो एक पे ना मेरे कम से कम जब मेरी सप्लीमेंट की दुकान है मेरी भी उधारी में उधारी की तो बात है भाई दुकान में 70 लाख का माल 10 लाख का उधारी चलाओ एक लड़के ने यही दोस्ती में भाई एक लड़के ने जिम पे सामान एक लड़के ने जिम पे सामान रखवा लिया उनने 5 लाख का सामान रखवा के फिर लड़ाई कर ली जिन पे सामान रखवा के लड़ाई कर ली अपना आपसू हाँ जान के पैसा ना देने पड़े हाँ। उस पर मार लगाई लूट के अच्छी उनका जिम पाए मुझे मार के बदमाशों ने घेरा मेरी चैन मेरे जिम के काउंटर में 5 लाख रुपए ले गए वो केस मुश्किल से छुड़वाया अच्छा उसके बाद जब तक केस चल रहा वो दुकान बंद रखी हमने अगर दुकान बंद रखी फिर एक और हराम का लंड पागा मुझे उसने मुझसे नुकाई भैया तुम्हारी तो जिम दुकान बंदी है मेरा ना एक जिम में कैफे है आपकी दुकान का सामान मेरे कैफे पर रखवा दो मैं बेच दूंगा पैसे दे दूंगा बहन तो पैसे मांगू पैसे ना देवे मुझे ना सामान ही ना बिक रहा मैं एक दिन कैफे पे पहुंच गया सामान ही ना मन की तू मेरा सामान ना बिक रहा मुझे ना वो उधारी में चला गया मैंने दे सामान मेरा है पैसे दे अरे बहन देखो 1.25 लाख रुपए ये भेजा मुझे 5,000 मेरा नंबर आ रहा है ठीक है 5,000 कौन से है मेरे पास कुछ ना आया ठीक उसके बाद 1,000 भेजे और फिर इसने भी लड़ाई कर ली 6,000 रुपया भेज के सुनो घर तले के डमा घर तले 1,500 सुनो उसकी बता रहा हूँ मैं जो गोर सिटी मार हां हां बता दे पेंट की बाल्टी बाल्टी सब हो गई पेंट की बाल्टी अच्छा फिर मैंने उस पर फोन करा ऐसी मुंह बहस होगी तो मेरे से बोला गाली वाली बात पे बता रहा हूँ जो भाई को गाली तो दे दी चाटक नहीं मार दिया मेरे से बोला दूंगा मेरे से बोला मैंने कहा तो मैं आ ही रहा हूँ वहां पहुंचे मैं और जो आधे लड़का खत्म हो गया हमारा वो उसका दोस्त था तो आधे सर मैसेज आ रहे सामने साहब फिर गाली दी उसने तो इतने में तो मैं यूं ना मुड़ पाया इतने में तो आधे उसने भक्का छाती मारी लात और पीछे ग्रिल ग्रिल का उछल कर ₹1,000 और नीचे जाके आधे ने तो उसकी गुद्दी बढ़ ली टांग में तो उसकी गांड वही तरफ होगी कोनी सर मेरी कोनी दुखी फिर मैंने निकाली बेल्ट 5 साल तुम्हारी बक्कर लगा यहाँ और आधे उसने भरकर मार दिया घूसा भाई जबड़ा टूटा उसका रीढ़ की हड्डी टूटी और कान का पर्दा गायब एक केस और हमारे ऊपर तैयार जो पैसे है उस पर धार वे तो मरे ही मरे और देने पड़े फिर सुबह तो वहां पर सारी लड़ाई वाली बात बता रहा हूँ बस और फिर अच्छा समझ जाओ फिर बात समझ में आएगा झगड़ा किस बात का बहन की गाली दे दी अब बाद में पता पड़ी मेरी तो बहन ही ना है मेरी बहन ही ना अभी लास्ट टाइम जो है ना लास्ट टाइम भाई ने जो लास्ट लड़ाई करी बाद दिन तो भाई घबराई गई जैसे भाई ने जाके गुस्सा में एक छाती पे लात मार दी देखो हम भी जो सीखे भाई जी कई बार उल्टी पड़ जाती है का मुंह काला हमारे आदि काला लगता है क्योंकि या हमारे कहीं से लड़ाई मत करो कहीं लड़ाई झगड़ा जब तक बचाया जाए जब तक बचाओ अच्छा बताइए और एक लड़ाई करो भाई मेरे बंदे टम में भी बताइए करो मेरी चार साल से लड़ाई हुई करो मैंने वो तीनों मार दिए अच्छा तो भाई आदि भाई ने जैसे बताया आदि भाई की लड़ाई हुई कोई बातचीत हुई आदि भाई ने वो मारे तो आदि भाई मिल जाते हैं वो भी कल परसों पिछले महीने तीन महीने वो तीन चार दोस्त है तीन चार वैसे हम चारों खड़े एक ने चतुराई दिखाई चाबी निकाल के भागो तीन हो रहेगा फिर मारे फिर
बात भी रहा फायर हुई फिर लड़ाई झगड़े में कोई फायदा नहीं है, सच बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने बताया ना कि पैसे निकालने की लड़ाई करी पहले उस जिम वाले से, जैसे भी मर गए 5-3.5-4 लाख जो जेब से हो गया, और उल्टा उसने केस लगा दिया कि मेरे जिम पे आकर मुझे पीटा, मेरे सोने का कड़ा, मेरी गले की चैन, मेरे काउंटर में 5 लाख ना कुछ भी छीन के लगे, अटेम्प्ट टू मर्डर, वो भी मुझे जान से मारना है। अच्छा फिर दूसरा पीटा, फिर इस पे भी 1.5 लाख रुपए मरे, इसे जेब से दिए, थाने में जाकर रिक्वेस्ट करी एसएचओ से। तो भाई कई बार क्या होता है चीजें, अब जैसे जितिन भाई ने गुस्से में लात मार दी, उसने मुंह से झाग फेंक दी, वो मर जाता एक मिनट का गुस्सा और जिंदगी भर की आए तो मिला ही पा रहे होते। और सबसे देखो सबसे बड़ा एग्जाम्पल दूं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे भाई सुशील कुमार जी का जो रेसलर है, इतना बड़ा नाम इंडिया के अंदर, इतना बड़ा नाम, उस लेवल का पहलवान अभी तक नहीं हुआ कोई इंडिया के अंदर। नॉर्मल झगड़ा था, वो हाईलाइट हुआ, तू तू मैं हुई, उसके बाद एट द एंड भाई यही होता है, फिर उसका मर्डर हुआ। और भाई की इतना ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट करियर था पहलवानी में, पता नहीं कहाँ तक नाम जाता, आज बाहर होते तो पता नहीं कितना वो कर रहे होते जेल में। अब भी जेल में तो भाई लड़ाई लड़ाई मत करो कहीं पे भी। और इतने केस लगे, इतनी धारा लगी है ना, कम से कम 120-150 धारा है शायद, जहाँ तक मुझे पता कन्फर्म नहीं, बहुत सारी है, इतनी धारा है कि बेल होने के चांसेस हैं, इतनी धारा, जिंदगी खराब कुछ। चलो मिलते हैं दोबारा, चलो।